अच्छा, हम दार्जिलिंग पुलिस का तरफ से ये जानकारी दे रहे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जुलाई 23 तारीख, 25 तारीख और 29 तारीख, 23rd, 25th एंड 29 में कंप्लीट लॉकडाउन का ऑर्डर किया है। ये लॉकडाउन में ऑल मार्केट्स बंद रहेगा, शॉप्स बंद रहेगा, वेजिटेबल्स, फिश, मीट ये भी बंद रहेगा, सब व्हीकल मूवमेंट भी बंद रहेगा। और ऑर्डर में कुछ चीज का छूट है, जो है हेल्थ सर्विस, उनका स्टाफ, उन लोग का मूवमेंट, उन लोग का गाड़ी का मूवमेंट, मेडिकल शॉप्स ओपन रहेगा एंड फार्मास्यूटिकल्स, गवर्नमेंट इमरजेंसी सर्विस जैसा फायर ब्रिगेड, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और भी जो एसेंशियल है ये सब खुला रहेगा। उन लोग का मूवमेंट इंक्लूडिंग उन लोग का स्टाफ ऑफिसर्स का मूवमेंट भी खुला रहेगा। एग्रीकल्चर खुला रहेगा, टी गार्डन खुला रहेगा, और ये दोनों का जो ट्रांसपोर्टेशन है एग्रीकल्चर गुड्स एंड टी गुड्स, इसका भी खुला रहेगा। ऑल टाइप ऑफ गुड्स मूवमेंट, फूड ग्रेन मूवमेंट, ऑल एनी गुड्स मूवमेंट हाई रोड में, स्टेट हाई रोड में खुला रहेगा। ई कॉमर्स और होम डिलीवरी ऑफ फूड्स ये भी खुला रहेगा। मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑल मीडिया खुला रहेगा। तो ये इसमें हम लोग पुलिस से, हम लोग का पेट्रोलिंग रहेगा, पिकेट रहेगा। टाउन में गाड़ी मूवमेंट नहीं होगा, टाउन नहीं, होल पहाड़ में मूवमेंट नहीं होगा, पुलिस का नाका रहेगा। तो प्लीज हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं जनगण को, ये कोविड कॉम्बेट के लिए आप लोग ये जो अभी हम गवर्नमेंट का ऑर्डर बोले हैं इसको पालन कीजिए। और एक बार फिर हम बोल देख रहे हैं हम लोग कि अभी भी इतना बोलने के बाद भी बहुत आदमी मास्क नहीं लगा रहे, सेल्फ डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, और एक बार फिर रिक्वेस्ट है प्लीज मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, सेल्फ डिस्टेंसिंग कीजिए और बिना काम में बाजार में मत आइए।